Hello students, today we are going to solve a numerical from the chapter Light Reflection and Refraction. Here's the question, and it's an MCQ question. An incident ray makes an angle of 90 degree with the mirror surface. The angle of reflection for this ray is, मेरा जो incident ray है वो 90 degree बना रहा है, मतलब angle of incidence 90 degree है. Angle of reflection निकालना है, ठीक है. हमें पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. और जब भी हम इंसिडेंट एंगल मेजर करते हैं ना, वो हम नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं. मतलब अगर मेरा ये मिरर सरफेस है, राइट, अगर मेरा मिरर सरफेस है, ये मेरी इंसिडेंट रे आई, तो हम लोग नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करते थे? इस पॉइंट पे अगर मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगी 90 डिग्री पे. तो मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या बन जाएगा? ये वाला मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ठीक है. तो लाइकवाइज अगर मुझे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना हो तो हमारे पास ऐसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता था, और हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल आता था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. तो हम लोग नॉर्मल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, राइट. तो अगर मेरा जो इंसिडेंट रे है अब वो कैसे आ रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे आ रहा है. मतलब ये मेरे पास अगर सरफेस है, ओके, तो और मेरी जो नॉर्मल रे है वो ये ऐसे है, तो मेरा जो इंसिडेंट है वो भी कैसे आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? ये इसी के जस्ट ऊपर आ रहा है, ये जस्ट इसी के ऊपर आ रहा है. ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब इंसिडेंट रे है ये मेरी, इंसिडेंट रे, ठीक है. तो जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जब हम नॉर्मल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो भी 90 है, ये भी 90, तो 90 माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, राइट. और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आ जाएगा? 0 डिग्री. तो हमारा ऑप्शन इज 0 डिग्री, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please do subscribe our YouTube channel.